बस्ती पुलिस का दरोगा निकला लुटेरों का सरगना, साद के दो सिपाहियों के साथ कर रहा था लूट। पुरानी बस्ती थाने का आरोपी, दरोगा और दो सिपाहियों की गिरफ्तारी। कल गोरखपुर सराफा कारोबारियों से की थी लाखों की लूट। 19 लाख का सोना और 10 लाख नकद लूट कर फरार हुए थे खाकी के दागी। सराफा कारोबारियों से लूट के दो मामलों का खुलासा। लूटे गए माल को भी 100% बरामदगी। 24 घंटे में लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा। कैंट पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दी दागी पुलिस की गिरफ्तारी। पुलिस और कस्टम अधिकारी बताकर बस्ती पुलिस के दागियों ने की थी लूट। खाकी के दागदार पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की करेगी सिफारिश। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। देखिए, कल 20 तारीख में जनपद गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों के द्वारा इसको कारित करना बताया जा रहा था। उसी में 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, एक धर्मेंद्र यादव, एक महेंद्र यादव और संतोष यादव। धर्मेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल है। गोरखपुर पुलिस के द्वारा इनका नाम प्रकाश में आया गया था, जिनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करके इनके पास से सारा सामान बरामद किया गया था। इन लोगों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके अलावा हमारे द्वारा इन तीनों जो कार्मिक है इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है और इनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो थाना स्तर पर सुपरवाइजरी लेवल पे जो लापरवाही बरती गई है, उसमें थाना प्रभारी और हेड मोहरर, कांस्टेबल मोहरर और जो ड्यूटी मुंशी है, इनको भी निलंबित किया गया है। साथ ही साथ में जो दो कांस्टेबल थे, महेंद्र यादव और संतोष यादव, इनके साथ में जो सहकर्मी ड्यूटी पर थे और उनको जब ये अनुपस्थित रहे अपने ड्यूटी से, उस समय इनका दायित्व था कि थाना प्रभारी को बताते या क्षेत्राधिकारी को बताते, इन लोगों ने भी नहीं बताया। तो इसमें एक जो क्यूआरटी कमांडर है राम नगीना प्रसाद, उसको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा अन्य दो लोगों को और इसमें सस्पेंड किया गया है। तो कुल मिला के इसमें 12 लोगों पे सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोग जिन्होंने आपराधिक कृत्य किया है उनके खिलाफ और 9 लोग वो हैं जिनकी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही बरती गई और जिसकी वजह से इस तरह की जो एक शर्मनाक घटना पुलिसकर्मियों के द्वारा कारित की गई है, इसमें सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और विभागीय कार्रवाई करके इन लोगों को जो भी विभाग के अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसके अंतर्गत इनको दंडित किया जाएगा।